वेलकम बैक टू वूप मी अप डॉग वर्ल्ड। सर्दियों का मौसम आ रहा है और विंटर सीजन में जो डॉग को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, वो बहुत ही कम कभी कभी खाना खाते हैं और साथ ही साथ हमें उनको हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत रहना पड़ता है। तो आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ, आपको विंटर सीजन में अपने पपी को कैसे हेल्दी रखना है और उसे कैसे मोटा बना के रखना है। जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होता है, आपका डॉग बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। तो आज उसको मोटा करने के लिए मैं आपको चार ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब भी मौसम में बदलाव आता है तो सबसे पहले हमें उसे डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। डीवॉर्मिंग मतलब उसके पेट के कीड़ों को मारने के लिए रहती है। अगर आपका डॉग 10 किलो का है तो उसमें एक गोली चलेगी और 10 किलो से छोटा है तो उसमें सिरप फॉर्मुलेशन में आपका जाना पड़ेगा। तो पहले क्या डीवॉर्मिंग के बाद आ जाता है, उसे लीवर टॉनिक बहुत जरूरी है। लीवर टॉनिक आप मार्केट से कोई भी ले लीजिए और उसको 20 दिन लगातार लीवर टॉनिक जरूर दें। तीसरे नंबर पे आता है मल्टीविटामिन सिरप। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये डॉग की हेल्थ को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप मल्टीविटामिन सिरप भी जरूर उसे दें। तो आपको अपने डॉग को मल्टीविटामिन भी लगातार देनी पड़ेगी। साथ ही साथ ठंड के मौसम में आपके पपी की या पेट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो आपको बाजार से एक इम्यूनिटी वाला टॉनिक भी जरूर लेके रखना है। ये टॉनिक भी आपको उसको 10 से 15 दिन देना पड़ेगा क्योंकि आपकी उसकी इम्यूनिटी को बना के रखना पड़ेगा। तो ये चार पॉइंट थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपको डीवॉर्मिंग जरूर देना है, लीवर टॉनिक देना है, साथ ही मल्टीविटामिन देना है और इम्यूनो बिल्ड वाले लिक्विड्स उसे जरूर देने हैं। ठंड के मौसम में कभी भी अपने डॉग्स को नॉर्मल पानी ना दें, उसको हर समय लूकॉम वाटर गर्म पानी ही दें ताकि उसकी टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन रहे। ये तो थे मेडिसिनल वेज जो आप अपने डॉग को मोटा रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ देसी नुस्खे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले तो एक चम्मच शहद लीजिए और उसमें एक चुटकी आप हल्दी जरूर मिलाएं। एक चुटकी हल्दी और एक चम्मच शहद उसको चटाएं, आपका डॉग उसे आराम से चाट लेगा। और ये चीज़ आपको कम से कम 20 दिन करनी पड़ेगी। इससे भी आपका डॉग का इम्यूनिटी सिस्टम और हेल्थी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो मोटा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप अपने डॉग को हेल्दी या मोटा कर सकते हैं, अब आपको उसको बॉइल्ड आलू देने हैं। बॉइल्ड आलू आपको उसका छिलका निकाल देना है, उसे मैश करके अपने डॉग को देते रहना है। साथ ही साथ आप स्वीट पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो को भी आप गर्म कर बॉइल करके और उसके छिलके निकाल के अपने डॉग्स को दे सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे पपी को बैलेंस डाइट मिले ताकि उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ऐसी ही यूजफुल टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल वूप मी अप डॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।